for latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. अच्छा, दो दिन तक खाएगा। एक बार बता, तेरी शादी जब हुई थी तो उसमें पर प्लेट का हिसाब कितना? अरे भाई, 150 रुपए था। 150 रुपए ना, तो मैंने 3000 रुपए बोले हैं। ये 3000 रुपए दोस्तों, पहले दोस्तों आप बताओ मुझे, पहले ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि अगर 3000 रुपए मैं आपको दूँ, उसमें आप क्या क्या खा सकते हैं। सो गाइज, मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि 3000 रुपए, ये 3000 रुपए पर प्लेट का दाम है सोनम कपूर की वेडिंग में। तो गाइस, ये हमें पता चला है कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा की जो शादी है 8 तारीख को, उसके बाद जो रिसेप्शन होने वाला है होटल ग्रैंड लीला के ग्रैंड बॉलरूम में, वहां पे पर प्लेट का हिसाब जो है 3000 रुपए होने वाला है दोस्तों। तो सोच सकते हो 3000 में, तो मैं एक्चुअली, ये भाई साहब 2 दिन की बात कर रहे थे, मैं पूरे 1 हफ्ते खा सकता हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी वेडिंग, कितनी बड़ी ग्रैंड रिसेप्शन होने वाली है। और एक बार आपको एक बात बता दूं कि 9 लाख रुपए के तो सिर्फ नॉन वेज और दारू के आइटम्स हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना ज्यादा खर्चा होने वाला है। ऑफकोर्स कपूर फैमिली, अनिल कपूर जी, सोनम कपूर, उनकी इकलौती बेटी की शादी में इतने सारे पैसे तो जरूर लगाने ही वाले हैं। सो आप लोग सोच सकते हो कि क्या ग्रैंड ओकेजन होने वाला है। भैया स्टार्स हैं, ऐसा ग्रैंड, ऐसी ग्रैंड शादी तो वो डिजर्व करते ही करते हैं। गाइज, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रिसेप्शन में करीबन 300 लोग आने वाले हैं। सो ये आहूजा फैमिली और कपूर फैमिली की तरफ से टोटल डिटेल्स दी गई है। उन्होंने फाइनली बताया कि 8 तारीख को उनकी शादी के बाद रिसेप्शन है, और रिसेप्शन में ज़्यादातर सोनम कपूर के ही गाने डीजे वाले बाबू बजाने वाले हैं। तो शायद हमें उम्मीद है वहाँ पे बादशाह जी जाएं और वही गाना गाएं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये पार्टी ख़त्म ना हो। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आहूजा एंड कपूर फैमिली को। देखते हैं उसके बाद फोटोज जो मीडिया में आते हैं। हमें तो इन्विटेशन, हमें पता है कटे मिलने वाली है, नहीं 3000 रुपए पर प्लेट आप लोग सोच सकते हैं। सो गाइज, आप लोग एक कमेंट सेक्शन में हमें एक मजेदार चीज बनाइए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके वेडिंग में पर प्लेट का जो कॉस्ट था वो कितना था, या आप क्या चाहते हैं जब आपकी शादी हो तो उसमें पर प्लेट का हिसाब क्या होना चाहिए। भाई साहब के लिए 150 रुपए था, तो आप हमें जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। अगर गाइज आप इस वीडियो को बीइंग फिल्मी पर देख रहे हैं तो वो हमारा नया चैनल है, उसको प्यार देना ना भूलें। हमारे चैनल मूवीज अड्डा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, खूब सारा शेयर करें। सी यू अगेन, बाय बाय।